ठंडई एक इंडियन कोल्ड ड्रिंक है और होली के टाइम पे ये हर घर में सर्व की जाती है। हाय एवरीवन, वेलकम टू श्वेता जायका। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होली स्पेशल ड्राई फ्रूट से तैयार ठंडई की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है ये। तो आपको वैसे तो ठंडई मार्केट में भी मिल जाएगी, लेकिन घर के ठंडई की बात ही कुछ और है। तो चलिए आज इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस ठंडई की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ठंडई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स को सोक करना है। तो मैं ये बोल ले रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया 20 से 22 ये बादाम और अब मैं डाल रही हूँ 10 से 12 ये काजू और अब मैंने इसमें डाल दिया 1.5 टेबलस्पून पिस्ता और इसके साथ साथ मैंने डाला है 1 टेबलस्पून मगज, जिसे खरबूजे का बीज भी बोलते हैं। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून खसखस या पोस्तो और अब मैंने ऐड किया है 1/2 टेबलस्पून ये सौंफ। तो बड़ी छोटी कोई भी सौंफ ले सकते हैं आप। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च। काली मिर्च मस्ट है तो ज़रूर डालिएगा इसे। और अब मैंने डाल दिया है ये 5 से 6 इलायची है, तो ये छोटी हरी इलायची है मैंने डाल दी है इसमें। और ये 2 पिंच डाला है मैंने केसर। और अब मैं पानी डाल के इसे सोक कर लूँगी। तो पानी उतना ही डालना है जितने में आपका अच्छे से सोक हो जाए। तो इसे 7 से 8 घंटे के लिए सोक कर लें। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप 4 घंटे के लिए गर्म पानी में इसे भिगा दें। तो मैंने यहाँ पे इसे 8 घंटे के लिए सोक किया था। ये देखिए 8 घंटे के बाद कितना बढ़िया कलर आया है और अच्छे से ये सारी चीज़ें फूल चुकी हैं। तो ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। और अब हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मिक्सर जार के अंदर मैं डाल रही हूँ ये सारे सोक ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी से धो के भी मैंने डाल लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी गुलकंद। तो यहाँ पे गुलकंद आपके पास नहीं है तो आप रोज पेटल्स भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून गुलकंद डाल रही हूँ। तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका। तो देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, कुछ इस तरह का पेस्ट बन के तैयार हुआ है ये। अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई और हमें यहाँ पे शुगर और पानी को बॉईल करना है। तो मैं यहाँ पे ये 1.5 कप शुगर लूँगी। तो 1.5 कप शुगर ले लिया है मैंने और जितना हमने शुगर लिया है उतना ही पानी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप शुगर लिया था, इसलिए मैं 1.5 कप उसी कप से पानी इसमें मेज़र करके डाल रही हूँ। और इन्हें हमें अच्छे से जो है बॉईल कर लेना है, मतलब शुगर और पानी का हमें घोल तैयार कर लेना है बॉईल करते हुए। तो हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसे सिर्फ बॉईल करना है। तो यहाँ पे ये देखिए शुगर और पानी जो है बॉईल होने लगा है। तो बस इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, हमने जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के रखा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पे बहुत सारा ड्राई फ्रूट चिपका हुआ था मिक्सर जार में, तो मैंने इसे धो के भी डाल लिया है। और इसे हमें इसी तरह से हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। तो सबसे पहले हाई फ्लेम पे इसे बॉईल कर लें और इसे स्टर करते रहना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए और नीचे से ये जले भी ना। देखिए ये बॉईल हो गया, तो फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है और इसे इसी तरह से 15 मिनट तक हमें पकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 मिनट हो चुके हैं मुझे बॉईल करते हुए इसको। तो देखिए अभी देखिए ये काफ़ी रिड्यूस हो चुका है और काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और मैं आपको कंसिस्टेंसी भी दिखा रही हूँ इसकी। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा तो मैं इसे पूरी तरह से ठंडा कर लूँगी। तो इसे यहाँ पे मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया और अभी देखिए काफ़ी जो है थिक कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है क्योंकि होली के टाइम पे ये कैसे ख़त्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं इस तरह की कांच की बॉटल ले रही हूँ और मैं इसे फ्रिज में स्टोर करूँगी। तो ये 1 से 1.5 महीने के लिए आप स्टोर कर सकते हैं
और अब मैंने यहाँ पे लिया है 500 ml ठंडा दूध, बिल्कुल चिल्ड दूध है ये। तो यहाँ पे मैं आपको ठंडा ही बनाना बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह का बड़ा स्पून लिया हुआ है और मैं इससे जो है 2 स्पून डालूँगी ठंडे। तो ये 500 ml दूध के अंदर मैं डाल रही हूँ ठंडे ही। तो आपको जैसा बनाना है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं दिखा रही हूँ आपको क्वांटिटी, वो 500 ml दूध के लिए परफेक्ट रहती है। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे ठंडे ही, और इसे हमें मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ये जग से जो है ग्लास में इस तरह से डाल के और ठंडे ही को मिक्स कर लूँगी। तो देखिए कितने फटाफट बनती है ये ठंडे ही। आप एक बार फ्रिज में बना के स्टोर कर लें और उसके बाद आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्लास में इसे सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़े से पिस्ता से इसे गार्निशिंग की है, तो देखने में ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और साथ साथ ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा रोज़ पेटल, तो आप फ्रेश रोज़ पेटल हो तो वो ज़रूर डालिएगा। बहुत ही बढ़िया लग रही है ये ठंडी, और पीने में भी ये बहुत मज़ेदार होती है, साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो आप देख ही सकते हैं इसमें कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए और दूध के साथ इसे बनाया। तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं अगर आप और ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं। तो आप ये ठंडे ही ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है। बाहर की ठंडे ही जो लाते हैं हम, उसे प्रिजर्व करने के लिए उसमें केमिकल्स का यूज़ होता है। तो आपके गेस्ट को या आपके घर में हो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप इसे होली पे ही नहीं, वैसे भी बना के पी सकते हैं कभी भी, बहुत ही मज़ेदार लगती है ये। और आपको मेरी ये ठंडे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये ठंडे की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें गाइस। तो मिलती हूँ इसी तरह की टेस्टी और यम्मी रेसिपीज लेके आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी होली।